दोस्तों कई बार होता है कि हम पानी पड़ने से या फिर किसी और कारण से हमारे फ़ोन के जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन बार होता है वो ख़राब हो जाता है। यानी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह हमें दिखता नहीं है, नहीं हम कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज के स्टूडियो में यही जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने नोटिफिकेशन बार को ठीक कर सकते हो एक ऐप की मदद से। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर हब, मैं हूं नवीन और आज के स्टूडियो में जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन बार को एक ऐप के थ्रू आप कैसे सही कर सकते हो। दोस्तों कई बार हमारे फ़ोन का नोटिफिकेशन बार ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे फ़ोन का अभी नोटिफिकेशन बार जो है वो ख़राब हो चुका है। ये आप ऊपर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आए तो हैं लेकिन ये खुल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इसे खोल सकते हैं, इसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड कर देना है एक ऐप जिसका नाम है पावर शेड, या आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर देना है। तो दोस्तों इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉट रनिंग पे टैप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चार तरह की चीज़ें दिखती हैं। इन दो ऊपर वालों का तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन हमें नीचे वालों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये नोटिफिकेशन पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको अंदर चले जाना है, यहाँ पे ऑन कर देनी है परमिशन। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पावर शेड में जाके जो ऑफ है इसे ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको बैक कर देना है और बैक हो जाने के बाद अभी भी यहाँ पे नॉट रनिंग है तो आपको फिर से यहाँ पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखेगी, पहला नोटिफिकेशन और दूसरा एक्सेसिबिलिटी, वही वाली चीज़ें। तो आपको फिर से यहाँ पे इसे भी अलाउ कर देना है और फिर ये रनिंग और एक्सेसिबिलिटी भी आपको अलाउ कर देना है। तो ये फिर रनिंग स्टेट में आएगी। अब अगर मैं ऊपर से नीचे करता हूँ तो ये देखिए आपको एक अच्छा सा नोटिफिकेशन बार मिल जाता है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज, सारे जो आपके टूल्स हैं वो दिख जाते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दिख जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप इसमें कलर करना चाहते हो, उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आपका लेआउट चेंज हो जाता है, यहाँ से आप कोई भी कलर भर सकते हो उसमें। तो मेरे को कुछ ऐसा करना नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। और आपको का फ़ोन अगर ख़राब था तो इससे ज़रूर सही हुआ होगा।